हालिया हुई है आईसीसी की मीटिंग श्रीलंका में। वैसे तो ये कहा जा रहा है ऊपर से कि उसमें कोई चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात नहीं हुई, लेकिन अंदर की खबर क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। भारत ने हाइब्रिड मॉडल की उसमें बात की है और आईसीसी ने उसके ऊपर कुछ दो शरायत रख दी हैं। उन्होंने भारत को कहा कि आपके सामने दो ही ऑप्शंस हैं, या तो आप पाकिस्तान आइए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, या फिर आप घर बैठ के चैंपियंस ट्रॉफी को देखिए। ये दो ऑप्शंस भारत के सामने रख दिए गए हैं जो मैं आपके साथ एक्सक्लूसिव शेयर कर रहा हूं। चलिए हम इस वीडियो पे मजीद बात करेंगे। आप बताइए कि क्या भारत पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा। मेरा ये ख्याल है कि भारत पाकिस्तान जो है वो नहीं आएगा, मुझे ये लगता है, मेरी ये ओपिनियन है। आपका क्या ओपिनियन है, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, दैट इज अ डिबेटेबल पॉइंट, वो आगे जाके बात करेंगे, लेकिन अपना ओपिनियन जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। अब आगे चलते हैं। आईसीसी की जो मीटिंग हुई उसमें श्रीलंका में, उसमें देखिए ना, मीटिंग के बाद बाहर आके, कई दफ्तर की मीटिंग भी हो ना, चेहरे मुस्कुरा रहे होते हैं, अंदर से जो है कहानी और होती है भैया। बात यह है कि ना लॉलीपॉप आप खाते हैं ना लॉलीपॉप मैं खाता हूँ, ना रोटी को चोची आप कहते हैं ना रोटी को चोची मैं कहता हूँ, ठीक है जी। बात यह है कि वो क्या थी मिसाल जी के तोड़ा कुत्ता है नहीं साढ़ा कुत्ता कुत्ता तो तोड़ा कुत्ता टॉमी, तो ऐसा नहीं होता। बात यह है कि यार दो ऑप्शन आईसीसी ने भी दिए हैं, ठीक है, इस इट्स अ रियलिटी कि भाई भारत की का पैसा बहुत देता है आईसीसी को, आईसीसी को भारत बहुत डोमिनेट करता है। सो मेरा एक सवाल है कि क्या ये ठीक है एक कंट्री डोमिनेट करे पैसे के बेस पे, कि हमारे पास पैसा बहुत है। यार आप अपनी मूवीज़ में फिल्मों में क्या दिखाते हो कि पैसे वाला आदमी जुल्म करता है उसको बुरा दिखाते हो, और एक कम पैसे वाले आदमी भी जुल्म होता है उसको मजलूम दिखाते हो, आखिर में दिखाते हो कि कम पैसे वाले की विक्ट्री हो गई। सो यहाँ क्यों नहीं, यहाँ आपका स्टांस क्यों चेंज हो गया? सो यार रियलिस्टिक रहो, क्रिकेट के साथ लॉयल रहो, पैट्रियाटिज्म के नाम पर सबसे बड़ा धोखा ये होता है कि हर किस्म का गुनाह माफ हो जाता है। खैर हम आगे बढ़े, ये टॉपिक नहीं है मेरा। बात यह है कि भारत पाकिस्तान के साथ जो है वो हर स्पोर्ट खेलता है, हर खेल खेलता है सवाई क्रिकेट के, आके आपकी टीम्स इधर आती रहती हैं। सो क्रिकेट में क्यों, तो ये तो डुअल पॉलिसी हो गई ना। मैं एक जेन्युइन लॉजिक पे बात कर रहा हूँ। उसके साथ ये है कि आईसीसी ने बता दिया भारत को कि फिर भी आईसीसी का इवेंट है, इसको आप स्किप इस तरह से नहीं कर सकते। ये एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरह डमी काउंसिल है, तो वैसे आईसीसी भी काफ़ी हद तक डमी ही, लेकिन उतनी डमी नहीं है जितना एशियन क्रिकेट काउंसिल डमी है, जिसकी कोई इसलिए कोई वैल्यू और वर्थ नहीं है एशियन क्रिकेट काउंसिल की। सो भैया बात ये है कि करूंगा बात सीधी और सख्त, लगे सही या बुरी होगी तीखी की तरह, तीखी सीधी बात विद लॉजिक, कि भैया आपको आना पड़ेगा। अब आप भारत की सिर्फ जिद है कि हमने पाकिस्तान में नहीं खेलना। सिक्योरिटी में आप किसी को पागल को भी कहोगे ना कि ऑस्ट्रेलिया जिस कंट्री में आ जाए, इंग्लैंड आ जाए, न्यूजीलैंड आ जाए, साउथ अफ्रीका आ जाए, वहाँ इंडिया कह के हमें सिक्योरिटी का कंसर्न है, तो वो कहेंगे क्या बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, ठीक है ना। सीधा कहो ना यार, आपसे खेलना ही नहीं है, हम नहीं चाहते कि आपका फाइनेंशियल जो आपको फ़ायदा हो, आपकी वर्थ बढ़ जाए इस इवेंट होने से, तो आप ये कहो सीधा कि हमारी गवर्नमेंट ही इजाज़त नहीं देती ड्यू टू द पॉलिटिकल डिफरेंस। आप पॉलिटिकल डिफरेंस को बीच में क्रिकेट में घुसा रहे हो, ठीक है। सो पॉइंट ये है कि यार स्ट्रेट आओ ना, सीधी बात करो। इसलिए मैं कहता हूँ दुनिया में बहुत सारे जो बातें की जाती हैं वो झूठ पे मबनी होती हैं, अंदर की कहानी और होती है, और हर किसी को पता है, मेरे भारत में बैठे दोस्तों को भी पता है, पाकिस्तान में भी पता है क्यों वो भारत जोर लगाता है। इसलिए कोई लॉजिक ही नहीं है, लोग हंस पड़ेंगे, कहेगा ऑस्ट्रेलिया आ गया, इंग्लैंड आ गया, न्यूजीलैंड आ रहा है, और कई मरतबा आ रहे हैं, न्यूजीलैंड तो इतनी बार आया है, और उसके बाद न्यूजीलैंड के आप भारत कहे या हमारे लोग कहे कि यार हम उधर नहीं जाते सिक्योरिटी की वजह से, तो फिर तो झूठ बोल रहे हो ना। वो वही था ना कि एक बच्चा छोटा होता है जो वो कहता है जी मामा आज मेरा पेट खराब है मैं स्कूल नहीं जा सकता, मामा को पता होता है पेट नहीं खराब, दिमाग में मसला है, आज इसने स्कूल से छुट्टी करनी है। तो भैया भारतीय दोस्तों आप सीधा कहो ना बीसीसीआई ने छुट्टी करनी है, नहीं आना आज इस स्कूल में इधर, ठीक है। तो स्ट्रेट हो ना यार, वो तो वो क्या शेर था कि झूठ बोलो तो उस पर कायम भी रहो, झूठ बोलो तो उस पर कायम भी रहो, बंदे को साहिब किरदार होना चाहिए। तो भैया मैं ये नहीं कह रहा कि पीसीबी बहुत अच्छा और बीसीसीआई बुरा है, मैं बुरा किसी को नहीं कह रहा, बीसीसीआई तो हमसे बहुत अच्छा है क्योंकि प्रोफेशनल है, अपनी क्रिकेट बहुत अच्छी कर दी है, लेकिन बात यह कि जो काम गलत कर रहा है ना वो गलत कर रहा है। सर कंट्रीज में स्पोर्ट रुकनी नहीं चाहिए, और जो लोग रीज़न देते हैं ना ABCD बिल्कुल गलत देते हैं, तो क्या 99 से लेके 2010 के बीच में वो चीज़ें ख़त्म हो गई थी? यहाँ तो बहुत फ्रीक्वेंट क्रिकेट हुई पाकिस्तान इंडिया के बीच में, 99 में पाकिस्तान इंडिया जाता है, 2004 में इंडिया पाकिस्तान आता है, 2005 में इंडिया पाकिस्तान इंडिया जाता है, 2006 में इंडिया पाकिस्तान आता है, फिर 2008 में पाकिस्तान इंडिया जाता है, उसके बाद फिर एशिया कप के लिए इंडिया पाकिस्तान आता है। तो भैया ये क्या यार, क्यों झूठ बोलते हैं, एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं? सो बी अ जेंटलमैन। मेरे इंडिया में बहुत दोस्त हैं, बहुत ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, दे ऑल यार ये कहते हैं कि ये क्या फजूल चीज़ें हैं, मतलब खेलना चाहिए स्पोर्ट, दे ऑल एग्री। जो बंदा स्पोर्ट को अंडरस्टैंड करता है वो कभी ये कह ही नहीं सकता, जो मर्जी रीज़न दे दो यार। सो बीसीसीआई के पास ऑप्शन ज़्यादा नहीं है, आपको आना तो पड़ेगा,
आप नहीं आओगे सो यू विल सेटिंग अ सच अ रॉन्ग एग्जांपल। कल को कोई दो और कंट्रीज के आपस में ना बनी तो आप कहेंगे, वो भी कहेंगे ठीक हम नहीं आते, तो एट देन क्या होगा? जो भी कंट्री करे, अगर ये पाकिस्तान करेगा, आई विल द फर्स्ट पर्सन हु विल स्टैंड अगेंस्ट माय कंट्री ऑन दैट थिंग। मैं अपने कंट्री की गलत चीज को हाईलाइट करूंगा, क्योंकि गलत सही में कंट्रीज नहीं होता, गलत गलत होता है। आपका कंट्री करे, मेरा कंट्री करे, गलत गलत ही रहेगा। तो कोई भी कंट्री करे, इट विल डैमेज क्रिकेट। वी लव दिस गेम। अगर हम ये कहते ना, वी लव दिस स्पोर्ट्स, मैं डाई हार्ड क्रिकेट का फैन हूं, मैं जीता मरता इस गेम के लिए हूं, मुझे मोहब्बत है इस गेम से, तो सर फिर मोहब्बत अंधी होती है, फिर उसमें बीच में ही रुकावटें नहीं आती हैं। फिर आपको सच बोलना चाहिए, जिस चीज से मोहब्बत होती है ना, उसे आप झूठ नहीं बोलते हैं। तो मैं बिल्कुल स्ट्रेट बातें कर रहा हूं, ये कोई वो नहीं है। सो आपको ये मानना पड़ेगा, जो गलत करता है उसको कबूल करें, एंड बीसीसीआई को उसमें अपना स्टांस दुरुस्त करना पड़ेगा। अगर आपको गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रहे, तो उनको कन्विंस करें कि स्पोर्ट्स को अलग रहने दीजिए, बाकी मामला आप देखिए। सो मेरा ये ओपिनियन है, ये वीडियो है, आपका क्या स्टांस है इसके ऊपर जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके ओपिनियन में जान सकें कमेंट सेक्शन में।